हेलो एंड नमस्ते। अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी को अपना घर बेहद प्यारा लगता है क्योंकि उसे हम होम मेकर्स बड़े ही सुंदर से ऑर्गेनाइज करके रखती हैं। पर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हमारे पास इतना सामान हो गया है कि इन्हें रखने के लिए अब घर में जगह खत्म हो चुकी है, सारे कॉर्नर सारे ड्रॉर भर चुके हैं। पर हम ध्यान दें तो बहुत सारे ऐसे जगह मिलेंगे घर में जो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। अगर चीज़ों को सोच समझकर सही प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है तो हमारा काम बहुत ही आसानी से हो पाता है और हमारे घर को सुंदर और क्लीन रखने में हेल्प भी करता है। कई बार हम चीज़ों को ज़रूरत के हिसाब से सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, जिससे भी हमारे घर में स्पेस की कमी लगने लगती है। मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम हमें अपने ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए। समय के साथ साथ हमारे किचन में बहुत सारे टूल्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि काफ़ी काम भी आते हैं, बट इनको अगर सही तरीके से स्टोर ना किया जाए तो ये इजीली विजिबल नहीं होते और काम के वक्त पे मिलते नहीं हैं। इन्हें मैं ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहती थी कि ये सारे टूल्स एक साथ रखे हों और इजीली विजिबल भी हों, जिससे मेरा काम आसान हो जाए। किसी भी ड्रॉअर को सही ढंग से ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहला रूल है कि आप उसे बिल्कुल खाली कर दें। तो मैं सबसे पहले इस ड्रॉअर के सारे सामान को निकाल कर बाहर रख दूंगी, इसे अच्छे से क्लीन कर देंगे और एक लाइनर बिछा लेंगे। ड्रॉअर से निकाली गई सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से फैला कर रखा है ताकि मैं इसकी साइज देख सकूं, जिससे मैं डिवाइडर बना सकती हूं कि कितने बड़े डिवाइडर मुझे अपने ड्रॉअर के लिए चाहिए होंगे। पहले मेरे ड्रॉअर में डिवाइडर नहीं थे, जिस वजह से सामान काफ़ी फैल जाता था, तो अब मैंने इस तरह का DIY डिवाइडर बनाया है, जिसके लिए मैंने एक ड्राई फ्रूट्स के डब्बे लिए हैं और उसके अंदर इस तरह का डिवाइडर बना हुआ था, तो मैंने इसे यहाँ पे लगाने के लिए सोचा है। इस तरह का डब्बा काफ़ी मजबूत होता है तो इजीली ख़राब नहीं होते ये। इसके अंदर दो बड़े डिवाइडर बने हुए हैं जिससे मेरा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। और मैंने एक बॉटल का खाली डब्बा लिया हुआ है, इसे ऊपर से कट कर लिया है जिससे एक ऑर्गेनाइजर की तरह बन गया है ये, और इसे मैं अपने ड्रॉअर के अंदर फिक्स कर दूंगी। इस तरह से ये स्पेस में ये अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो आप अपने ड्रॉअर के हिसाब से डब्बों को चूज कर सकते हैं कि कौन सा डब्बा कहाँ पे फिक्स होगा और आप अपने ड्रॉअर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब साइज़ के अकॉर्डिंग मैं अपने सामान को एक एक करके ड्रॉअर के अंदर सेट कर दूंगी। इस ब्लेंडर के वायर को मैंने इस तरह से रबर बैंड से सिक्योर कर दिया है ताकि ये ज़्यादा फैला ना रहे। इस वाले बॉक्स में मैं छोटे छोटे टूल्स को डाल दूंगी, इसमें ये इजीली फिट हो जाएंगे और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आसानी से इसे ले पाऊंगी। तो अपने काम के हिसाब से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम यहाँ पे। एक प्लास्टिक के स्वीट बॉक्स को लिया हुआ है जिसे मैंने ड्रॉअर डिवाइडर बनाया है, ये इजीली यहाँ पे फिट हो जाएंगे। तो आप भी अपने घर में रखी हुई चीज़ों से ड्रॉअर डिवाइडर बना सकते हैं और इसमें छोटी छोटी चीज़ों को हम स्टोर कर देंगे। तो मैंने सूप पीने वाले स्पून और छोटे वाले फ्रूट वाले फोक को भी रख दिया है। इस तरह का एक और मैंने टेक अवे कंटेनर लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। एक कार्डबोर्ड बॉक्स में थोड़े से रबर बैंड ले लिए हैं जिसे यहाँ रख दूंगी, जो किचन में हमेशा काम आते हैं। और ये बॉक्स अच्छे से फिट हो जा रहा है, तो आप अपने ड्रॉअर के हिसाब से छोटे छोटे चीज़ों से अपने ड्रॉअर को अरेंज कर सकते हैं। और ये जगह खाली थी, यहाँ पे मैं अपने ग्राइंडर के जार को रख दूंगी। एक छोटे से बॉक्स के अंदर मैंने वुडन फोक रखे हुए हैं जो बच्चों के स्कूल में काम आते हैं, तो इसे भी यहाँ पे मैंने रख दिया है। और ये मेरे जार के लीड हैं तो उसे भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। हमें हमेशा यह कोशिश करना चाहिए कि हम कैबिनेट के डोर स्पेस को भी यूज़ करें। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम डोर में हैंग कर सकते हैं। मैंने कैबिनेट डोर में एक हुक लगाया हुआ है जिसके अंदर किचन के ग्लव्स और मेजरिंग कप को हैंग कर दूंगी। इसे यहाँ हैंग करने से हमारे ड्रॉअर में काफ़ी नीट लुक आएगा। इस तरह से आप अपने कैबिनेट के डोर का यूज़ ज़रूर करें। आप खुद देख सकते हैं कि पहले ये ड्रॉअर कैसा दिखता था, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज था, अच्छे से चीज़ें नहीं रखी हुई थी, जिसकी वजह से ये ड्रॉअर भी मुझे छोटे पड़ने लगे थे। पर जब मैंने इसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया, इसके अंदर डिवाइडर यूज़ किया, तो अब आप देख सकते हैं कि वही ड्रॉअर वही सामान कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। तो ये ड्रॉअर में अभी भी मैं और एक्स्ट्रा सामान रख सकती हूँ, इतने स्पेस बढ़ गए हैं। तो कई बार
चीज़ों को अच्छे से नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में स्पेस कम लगने लगती है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हम अपने घर में एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। ये ड्रॉअर मेरा प्लास्टिक कंटेनर के लिए डेडिकेटेड है। हमेशा मैं इसमें प्लास्टिक के बॉक्स रखती हूँ, पर ये इस तरह से भर चुकी है कि अब मेरे घर में एक भी डब्बे रखने की जगह नहीं बचे हैं। तो मैंने इसे भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए सोचा। तो सबसे पहले मैंने सारे डब्बों को निकाल कर इसे क्लीन कर लिया। इसमें मुझे बड़े डब्बे रखने हैं, इसके लिए मैंने इसमें लाइनर नहीं बिछाया है। अब मैंने एक पेपर बैग लिया हुआ है, इसे अच्छे से फोल्ड कर एक बॉक्स की तरह बना दिया है। अब इसके अंदर जितने बॉक्स थे सबके लीड मैंने सेपरेट रख दिए। तो आप इस तरह से रखेंगे तो आपके ड्रॉअर में काफ़ी स्पेस बचता है। तो जितने भी आपके डब्बे हैं सबके लीड को अलग से किसी बास्केट के अंदर रखें। तो मैंने इसके लिए पेपर बैग के बास्केट बनाए हैं और उसके अंदर मैंने इसे रख दिया है और सभी बॉक्स को उनके साइज और कैटेगरी के हिसाब से स्टक कर दिया है। सबको एक के अंदर एक डाल दिया है जिससे काफ़ी स्पेस बच रहा है। इस ड्रॉअर में डिवाइडर क्रिएट करने के लिए मैंने इस तरह का बॉक्स लिया हुआ है जिसके अंदर छोटे जितने भी डब्बे थे उन्हें स्टोर कर दिया है और इसे यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अभी भी इनके चारों तरफ स्पेस काफ़ी बचा हुआ है जिसके अंदर मैं दूसरे डब्बे भी स्टोर कर लूँगी। साइज और शेप्स के अकॉर्डिंग सभी डब्बों को मैंने स्टैक कर दिया है और इसे अच्छे से जहाँ जहाँ जगह है इसे सेट कर दूँगी। इन्हें लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस ड्रॉअर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है। सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने से इस ड्रॉअर में एक्स्ट्रा स्पेस भी क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर मैं इस तरह के सर्विंग प्लेट्स भी रख सकती हूँ जो पहले मैं नहीं रख पाती थी। अब आप देख सकते हैं कि ये ड्रॉअर कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। एक एक चीज को लेना बहुत आसान हो गया है और इसे खोलना बंद करने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही। अगर हमें किसी भी तरह का लीड चाहिए तो मैं इजीली यहाँ से एक्सेस कर पाती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम अपने ऑर्गेनाइजिंग मेथड को बदल कर देखने से घर में एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो जाते हैं। हम सभी की आदत होती है कि कई बार हम घर में ऐसे सामान को रखे होते हैं जो कभी कभी काम आते हैं, पर उन्हें भी रेगुलर यूज वाले सामान के साथ ही स्टोर करके रख देते हैं जिससे हमारा ड्रॉअर काफ़ी भरा भरा हो जाता है। और कई बार हम डुप्लीकेट आइटम भी स्टोर करके रखते हैं। एक जैसी कई चीज़ें हमारे घर में एक जगह पर रखी होती हैं जिससे हमारे घर में स्पेस की कमी दिखने लगती है। तो सबसे पहले तो हम उन चीज़ों को हटाएंगे जिनकी हमें रेगुलर ज़रूरत नहीं पड़ती, और उन चीज़ों को ज़रूर हटाएं जो एक जैसी दो तीन चीज़ें रखी हों। जो चीज़ें कभी कभी काम आती हैं उनका एक पीस भी रखने से हमारा काम चल जाता है, और अगर हम एक से ज़्यादा रखते हैं तो फिर हमारा घर काफ़ी मैसी हो जाता है। इस तरह का स्पैचुला हमेशा काम आता है तो मैं दो रखना पसंद करती हूँ। इस तरह के सर्विंग स्पून भी दो या तीन रखे हुए काम आ जाते हैं। तो जो काम की ज़रूरत की चीज़ें होंगी उसे मैं इस ड्रॉअर में रख लूँगी। जो चीज़ें हर दिन या एक दो दिन के अंदर यूज़ में आती हैं उन्हें इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर में रख लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे बॉटल ओपनर्स इकट्ठे हो गए हैं जिनकी मुझे अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने एक फ्रीज मैग्नेट वाला बॉटल ओपनर लिया हुआ है जिसे मैं फ्रीज में ही हैंग करके रखती हूँ, जिसे लेना काफ़ी आसान हो जाता है। ड्रॉअर को खाली करके अच्छे से क्लीन कर लिया है और लाइनर के लिए मैंने डाइनिंग मैट्स का यूज़ किया है। इस ड्रॉअर में पहले से कोई डिवाइडर नहीं है जिसके लिए मैंने एक बड़ा सा प्लास्टिक का बॉक्स लिया हुआ है। उसके अंदर ज़रूरत की सभी चीज़ें रख दी हैं और इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखा है, जो मुझे रोज़ काम आता है वही रखा है। और एक इस तरह का प्लास्टिक कंटेनर में जो कभी कभी काम आती हैं एक दो दिन के अंदर यूज़ हो जाती हैं उन चीज़ों को स्टोर कर दिया है। एक मसाला बॉक्स है जिसे मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। एक कुकीज का बॉक्स लिया हुआ है जिसके अंदर ऑलरेडी दो डिवाइडर बने हुए थे, इसे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है और इसके अंदर छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें रख दूँगी। और इस तरह का गार्लिक प्रेस है जिसे मैं यहाँ पे रख दूँगी। अब आप देख सकते हैं कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है उन्हें सिर्फ हटा देने से कितना एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो जाता है। ड्रॉअर में एक्स्ट्रा स्पेस के लिए मैं इस तरह का फोर्क और स्पून का होल्डर यूज़ करती हूँ जिससे ड्रॉअर में काफ़ी जगह बच जाता है। और सभी तरह के वुडन स्पैचुला को एक ही होल्डर में रख दिया है जिससे कि हमारे ड्रॉअर में जगह बच जाता है। कैबिनेट के डोर में मैंने इस तरह का होल्डर लगाकर रखा हुआ है जो आसानी से क्रिएट हो जाता है। ये मैंने
चिप्स के बॉक्स से बनाया हुआ है। इसके अंदर उन चीज़ों को स्टोर करती हूँ जो मुझे कभी कभी काम आते हैं। और एक इस तरह का बास्केट हैंग कर दिया है जिसके अंदर मैं अपने किचन में यूज होने वाले माइक्रोफाइबर क्लोथ्स को रख देती हूँ। इस तरह का आइडिया मुझे बहुत पसंद आता है, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगा। टाइम टू टाइम हमारे किचन में नई चीज़ें एड ऑन होती रहती हैं और स्पेस तो हमारा उतना ही रहता है। चीज़ें तो हम ले आते हैं पर स्पेस हमारे पास उतना ही रह जाता है, तो स्पेस को कैसे क्रिएट करें इसके लिए भी कई बार हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो इस तरह के बॉक्स को मैं इस तरह के ओपन सेल्फ पे रखती थी जिससे मुझे काफ़ी डर बना रहता था कि मैं इसे अच्छे से हैंडल कर पाऊंगी कि नहीं। बहुत दिक्कत से मैं इसे यूज़ कर पाती थी। मैं इसके लिए एक ड्रॉअर ढूंढ रही थी जो कि हमारे घर में बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। मेरे किचन के अंदर 3 ड्रॉअर्स हैं जो पूरी तरह से ऑक्यूपाई हैं। ऊपर वाले में कटलरी, इसमें मैंने मसाले रखे हुए हैं, और नीचे वाले में कुछ रैंडम चीज़ें रखी हुई हैं जैसे हनी की बॉटल है, बेकिंग का सामान है। तो ये चीज़ें हमेशा यूज़ नहीं होती हैं, कुछ डिस्पोजेबल आइटम हैं जो कभी कभी यूज़ होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस ड्रॉअर को खाली कर दिया जाए। हम सभी के घरों में कुछ ऐसे स्पेस होते हैं जो पूरी तरह से वेस्ट हो रहे होते हैं और जिनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जैसे मेरे किचन में ये कॉर्नर जहाँ सिलेंडर रखने की जगह छोड़ी गई थी, पर हमारे यहाँ गैस पाइपलाइन होने की वजह से हम इसे यूज़ नहीं करते, जिसके लिए मैंने इस तरह का स्टील का रैक लिया और किचन के उन चीज़ों को इसके अंदर स्टोर कर दिया जिसे मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं कर पाती थी। कभी कभी मुझे यूज़ करना होता था तो इसके लिए मैंने इस ड्रॉअर को रखा हुआ था। तो मैंने इस ड्रॉअर को खाली कर दिया और उस स्टील वाले रैक के अंदर रख दिया। इससे मेरे किचन का एक ड्रॉअर भी खाली मिल गया मुझे और ये हिडन स्पेस भी यूज़ हो गए। और अब जब भी मुझे कोई चीज़ लेना होता है तो मैं यहाँ से इजीली इसे ले पाती हूँ। तो मेरा मानना है कि अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो अपने घर में बहुत सारा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिन डब्बों को रखने के लिए मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं थे, उन्हें रखने के लिए अब मेरे पास पूरा ड्रॉअर खाली हो गया है। मैं आराम से इन ग्लास के कंटेनर को इस ड्रॉअर के अंदर अच्छे से रख दूंगी और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ से इजीली ले पाऊंगी। आम तौर पर हम सभी को अपनी अलमीरा छोटी लगने लगती हैं क्योंकि हम इसमें बहुत सारे कपड़े रखे होते हैं और इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं तो ये काफ़ी स्पेस लेते हैं। इस अलमीरा में मैं अपने बेटे के कपड़े रखती हूँ। ये अलमीरा तो काफ़ी बड़ी है पर इसमें वर्टिकल स्पेस यूज़ नहीं होने की वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। सीमित स्थान को अधिकतम करने के लिए प्रत्येक इंच का मूल्यांकन करना पड़ता है, तो मैं चाहती थी कि इस अलमीरा में वर्टिकल स्पेस को यूज़ करूँ। मैंने वार्डरोब के वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए इस तरह का DIY ऑर्गेनाइजर बनाया है। इस तरह के ऑर्गेनाइजर हमारे स्थान को अधिकतम उपयोग करने में हमारी सहायता कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर चीज़ हमारी अपनी जगह पर होगी। इस तरह के ऑर्गेनाइजर मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, मगर आप ज़्यादा पैसे से इसे नहीं खरीदना चाहते तो सस्ते तरीके से कार्डबोर्ड से इसे तैयार किया जा सकता है। इस तरह की चीज़ों को बनाने में थोड़ा वक्त और मेहनत तो ज़रूर लगते हैं, बट यकीन मानिए अगर आप अपने से कोई भी चीज़ DIY करते हैं तो वो बहुत सुकून देता है। तो इस तरह का DIY करना मुझे पसंद आता है, तो टाइम टू टाइम मैं कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट करती रहती हूँ। इस तरह से इस वार्डरोब में वर्टिकल स्पेस क्रिएट हो गया है जिसमें सामान रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हर सेक्शन में मैं अलग अलग तरह की चीज़ें रख दूंगी। मैंने यहाँ भी वर्टिकल स्पेस का यूज़ किया है। इस तरह के पाउच में मैंने सारे हैंकीज रख दिए हैं। अब मेरे बेटे को कभी ढूंढना नहीं पड़ता, उसे पता होता है कि इसके अंदर होगा तो यहाँ से पिक कर लेता है। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से वर्टिकल स्पेस यूज करने से इस वार्डरोब में कितनी अलग से स्पेस निकल गई है। मैं बहुत सारी चीज़ यहाँ पर स्टोर करके रख सकती हूँ। ऑर्गेनाइजर के ऊपर वाला जो स्पेस है उसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा हैंगर रख दूंगी, तो ये स्पेस भी मैंने यूटिलाइज कर लिया है। वीडियो में दिखाया गया सभी तरीकों को पिछले कई सालों से मैं फॉलो कर रही हूं, जिसकी वजह से मेरा घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। मैंने सभी सेल्फ पर लेबल लगाया है। लेबल लगाने से चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ता और उन्हें दोबारा उन्हीं जगह पर रखने में भी आसानी हो जाती है।
तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखकर आप भी अपने घर में थोड़े से एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर पाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ।